नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ग्लाइफोसेट नाम के हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी के उपयोग को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया या सीमित कर दिया। इसके उपयोग को बैन नहीं किया गया है। अब कुछ जो विशेष पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं वही इसका छिड़काव कर सकेंगे। अब हर कोई व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता। इन्हें ऑथोराइज किया गया है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को कि आप जाएंगे और इसका छिड़काव करेंगे। लेकिन ये प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्योंकि इसका मानव स्वास्थ्य के लिए या जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। एक रिसर्च के अनुसार ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर हो सकता है। हालांकि अभी ये रिसर्च फेज में है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है? सीमित उपयोग कर दिया गया है। लेकिन ये ग्लाइफोसेट क्या है? ये एक खरपतवार नाशी है जो हमारे खेतों के किनारों पर जो मेड़ होती है वहां, इसके अलावा आपके प्लेग्राउंड्स हैं, आपके रेलवे ट्रैक्स हैं या नहरों के किनारे जो खरपतवार उग जाती है उसे नष्ट करने के काम करने वाला एक रसायन है, एक केमिकल है ग्लाइफोसेट। तो इसीलिए इसे हर्बिसाइड कहा जाता है, खरपतवार को नष्ट करने के कारण। लेकिन इसका उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल वही किया जा सकता है जहां पर फसल जो होती है उसका आकार खरपतवार से बड़ा हो। अगर खरपतवार का और फसल का साइज सेम है तो ये दोनों को नष्ट कर देगा, अर्थात ये फसल में और आपके खरपतवार में कोई अंतर नहीं करता। अगर इसको छिड़क दिया तो अगर दोनों का साइज सेम है तो दोनों को खत्म कर देगा। इसीलिए इसका यूज अगर कृषि क्षेत्र में किया जाता है तो मेन रूप से आपके चाय के बागानों में और रबर प्लांटेशन में इसका यूज किया जाता है। जहां पर फसल का और आपकी खरपतवार का साइज बराबर है वहां इसका यूज नहीं किया जाता। इसीलिए खेल के मैदानों में, सड़कों के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और खेतों में भी इसका यूज मेड़ों पर जो बर्न्स होते हैं उन पर जो खरपतवार उगती है उसको नष्ट करने में किया जाता है, क्योंकि वहां पर कई तरह के ये फंगस को क्या करता है, जन्म देता है जो पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। तो उन मेड़ों पर खरपतवार को खत्म करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन दूसरा इसका एक और जो पहलू उभर कर सामने आता है कि इसका जब उपयोग किया जाता है तो ये काम कैसे करता है। तो देखो, इसका काम ऐसे करता है कि जब इसको छिड़का जाता है तो पत्तियों पर जब ये गिरता है तो ये पत्तियों में एक विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन के उत्पादन को रोक देता है। उस एंजाइम का नाम है या प्रोटीन का नाम है EPSPS। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ये है 5-ईनोल पाइरूविल शिकिमेट 3 फॉस्फेट सिंथेटेज। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है EPSPS। तो ये इस एंजाइम के या प्रोटीन के उत्पादन को पत्तियों में रोक देता है। जब इसका उत्पादन रुक जाता है तो ये क्या करता है, पत्तियों में जो एक विशेष एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, जो अमीनो अम्ल पत्तियों में होते हैं उनके निर्माण को रोक देता है। और अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात अगर मैं कहूं तो ये इस EPSPS को क्या करता है, इसके उत्पादन को रोक देता है, ये अमीनो अम्लों के निर्माण को रोक देता है, और अमीनो अम्ल का निर्माण रुकने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अर्थात अगर प्लांट है तो वो, अगर खरपतवार है तो वो, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे अगर इसका छिड़काव उस पर किया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। तो हमें इसमें इस एंजाइम का नाम याद रखना है कि ये कौन सा है। दूसरी बात जो याद रखनी है कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है, EPSPS, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसके बाद जो हमें एक और चीज जो ध्यान में रखती है कि भारत में जो ग्लाइफोसेट का उपयोग है वो क्यों बढ़ा है। तो भारत में जो ग्लाइफोसेट का जो उपयोग बढ़ा है उसका रीजन है HTBT कॉटन। HTBT कॉटन का मतलब है हर्बिसाइड टॉलरेंस BT कॉटन। भारत में अभी तक BT कॉटन को ही अनुमति प्राप्त है, जो क्या करती है, बॉल वॉर्म से या कैटरपिलर से हमारी क्या फसल की रक्षा करती है। अर्थात कॉटन पर अगर क्या हो जाए, बॉल वॉर्म का अटैक हो रहा है या कैटरपिलर का अटैक हो रहा है, तो वो उससे कॉटन के पौधे की रक्षा करती है। लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंस कौन सी फसल है, ये वो फसलें हैं जिनको आनुवंशिक अभियांत्रिक का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके तैयार किया जाता है। और ये क्या करती है, ये ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड्स के प्रति भी टॉलरेंट होती है। अर्थात अगर इनके ऊपर ग्लाइफोसेट को छिड़क दिया जाएगा तो ग्लाइफोसेट के कारण इन पादपों की मृत्यु नहीं होगी। अदरवाइज हमने अभी देखा था कि अगर ग्लाइफोसेट को पादपों पर छिड़क दिया जाता है या खरपतवार पर छिड़क दिया जाए तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इनको तैयार देखो कैसे किया जाता है, HTBT कॉटन। HTBT कॉटन में एक जीन होता है बैक्टीरिया में, सॉइल में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस बैक्टीरिया में एक CP4EPSPS नाम का जीन होता है। इस जीन को इस बैक्टीरिया से निकाल लिया जाता है और निकाल कर कॉटन में डाल दिया जाता है।
जो जो ये जो जीन है, ये जीन फसल को ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। अर्थात इस जीन में ये इस तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है कि अगर पौधे के ऊपर हम क्या करें, ग्लाइफोसेट को छिड़क देंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। तो पहले क्या हो रहा था कि ग्लाइफोसेट को छिड़क देंगे तो पादप मर जाएगा। तो अब क्या किया जाता है, अगर इसको छिड़क देंगे तो ये तो पादप तो नहीं मरेगा, लेकिन खरपतवार में ये जीन नहीं है तो खरपतवार मर जाएगी। तो HTBT कॉटन का जैसे जैसे प्रसार बढ़ा तो वो हर्बिसाइड टॉलरेंस होने की वजह से वो तो ग्लाइफोसेट से बच जाती है लेकिन खरपतवार मर जाती है। अब किसान ये इस जो HTBT कॉटन है इसका भारत में जो उपयोग है वो इलीगल है, लीगल नहीं है। भारत सरकार ने इसको स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन इलीगल रूप से इसके सीड्स को बेचा जा रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी डिमांड है। डिमांड का कारण क्या है कि जो खरपतवार को मैनुअली अगर हम श्रमिकों के माध्यम से हटाते हैं तो एक तो महंगा है, और दूसरा वो क्या है कि श्रम की उपलब्धता नहीं है, श्रम टाइम पर मिल नहीं पाता, लेबर नहीं मिल पाती है। इसलिए किसान सोचते हैं कि हम क्या करें, इन सीड्स को लाएं और इस पर ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर देंगे फसल पर, तो खरपतवार नाशी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, खरपतवार खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका जो आपका ग्लाइफोसेट का यूज है, जैसे जैसे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे ये BT कॉटन बढ़ा, उसके बाद HTBT कॉटन आया, तो इसका उपयोग बढ़ गया। तो भारत सरकार ने इसी सब को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया है कि इसका जो ग्लाइफोसेट का यूज है वो कौन करेंगे, वो करेंगे जो ऑथोराइज्ड ऑपरेटर है, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर है, वही जाकर अब छिड़काव करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज देख लें HTBT कॉटन के बारे में, कि HTBT जो कॉटन है इसमें दो विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, दूसरा इसमें BT कॉटन की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हर्बिसाइड के लिए तो हमने देख लिया उसमें CP4 EPSPS जीन पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक और भी जीन है जो BT के जीन है। BT अर्थात वो से बॉलवर्म से और किससे, टोबैको कैटरपिलर से सुरक्षा प्रदान करता है। ये छोटे छोटे क्या इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, इनसे रक्षा करता है। कौन, ये जो दो जीन है ये इसकी रक्षा करवाते हैं। ये क्या है, देखो BT कॉटन में ये जो जीन है CRY1AC और CRY2AB, इनको मृदा में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरैनजिनेसिस। इस बैक्टीरिया से इस CRY1AC और CRY2AB को निकाल लिया जाता है। तो इस बैक्टीरिया से इसको निकाला और कॉटन में डाल दिया जाता है। जब इसको कॉटन में डाला जाता है तो कॉटन क्या करती है, कॉटन का पौधा प्रोटीन्स का निर्माण करने लगता है जो कि जहरीला होता है। ये जहरीला प्रोटीन क्या करता है, जब इन पर ये बॉलवर्म आता है या कैटरपिलर आता है, जब इनको खाने लगता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये डेडली या यूं कहो टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण करवाकर कॉटन की रक्षा करता है। इससे इससे क्या होगा, BT कॉटन पर आपको जो इंसेक्टिसाइड्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, उनका यूज कम हो जाता है, आपको कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी समस्या इसके साथ बनी हुई थी कि खरपतवार उग जाती है तो उसको कैसे नष्ट करें, ग्लाइफोसेट छिड़कते हैं तो पौधा मर जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया गया, BT के साथ साथ उसमें HT का भी गुण डाला गया, हर्बिसाइड टॉलरेंस का। और उसके लिए हमने अभी देखा था कौन सा जीन डाला गया, CP4 EPSPS। तो इस HTBT कॉटन की वजह से इसका क्या हो रहा है, प्रसार बढ़ रहा था, इस वजह से भारत सरकार ने क्या किया, इसके उपयोग को सीमित किया। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी जो ग्लाइफोसेट है ये कोई एक केमिकल नहीं है, ये इसमें कम से कम 9 तरह के क्या है फॉर्मुलेशंस हैं, 9 तरह के इसके डेरिवेटिव्स हैं जिनको यूज किया जाता है, जिनमें ग्लाइफोसेट की अलग अलग सांद्रता पाई जाती है। तो इन 9 के 9 को इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंतर्गत क्या किया गया, रजिस्टर किया गया है। देखो कौन कौन सा है, इसका नाम आपको याद रखना है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसके अंदर ग्लाइफोसेट के उत्पादों को क्या किया गया, रजिस्टर किया गया है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान है रखना है। और एक बात और जो इसमें से निकल के आ रही है कि अभी तक इसको मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जा रहा था, कार्सिनोजेनिक माना जा रहा था, लेकिन अभी कुछ रिसर्च में ये कहा गया है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो EU में और USA में ऐसी रिसर्च आई है कि जो हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका कोई ज्यादा खतरा नहीं है। कह रहे हैं कि इसका हम जितनी सांद्रता में यूज करते हैं, जो इसका प्योर फॉर्म होता है उस रूप में यूज नहीं करते हैं, इसका बहुत ही तनु या इसको बहुत ही क्या करते हैं, इसकी सांद्रता को कम करके यूज किया जाता है, इसलिए उसका ज्यादा नुकसान नहीं। तो कुल मिला के अभी उस समय के लिए इसके क्या किया गया, इसके उपयोग को सीमित कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।